एक और न्यू कार स्ट्रीट की गेम प्ले वीडियो में। और हाँ, लास्ट टाइम 3 महीनों पहले गेम के अंदर 1.3.0 नाम का एक अपडेट आया था, जिसमें काफी मस्त सी कार ऐड हुई थी, और वो कार है अपनी प्यारी ऑडी की R8। भाई ये जो कार है ना, इतना मस्त कार है मैं क्या ही बताऊँ। बट यहाँ पे जो मेन दिक्कत है ना, वो है इसका प्राइस। 1700 रुपये इसका प्राइस है, मैं तो नहीं ले सकता। देखो, हालांकि यही सेम कार गेम के अंदर अभी टाइम एंड रेस पे चल रहा है, जिससे हम वहाँ पे अपने स्किल के दम पर रेस को विन करके इस कार को भी विन कर सकते हैं। बट भाई वहाँ पे प्लेयर्स वगैरह कुछ ऐसा ट्रिक यूज करते हैं, जिसके कारण उनका रेस इतना कम सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और इसी एक कारण की वजह से हम उस रेस को विन ही नहीं कर पाते। टॉप 100 तो जोड़ो, टॉप 200 में भी नहीं आ पाते। इस ऑडी R8 को तो मैं नहीं परचेस कर सकता, बट ऐसा ही बिल्कुल सेम कार हमें क्लास 2 में बिल्कुल फ्री में मिलता है, जिसका नाम है ऑडी TT। अगर तुम इसका सामने का लुक और पीछे का लुक देखो ना, तो वो बहुत हद तक उसकी तरह ही लगता है। नहीं नहीं मजाक कर रहा था मैं। वोटावर से कार को परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें मॉडिफाई वगैरह भी करना है। बाय कर लिया। वेट, मैं पीछे घूम के देख लेता हूँ कि आखिर बाय करने के बाद ये सब कार ज़्यादा कहाँ पे है। अच्छा, नीचे ज़्यादा है, ठीक है चलो। अभी देखो गाइस, मैंने इस कार को ना पहले भी चला के देखा है, एंड इसके बारे में मैंने किसी ना किसी वीडियो में तो बोला था कि ये उतनी खास कार नहीं है। बट अभी हम इसको पूरा ट्यून करेंगे, फिर देखते हैं कि ये कार अब भी बकवास है या फिर कुछ हुआ है, मतलब डिफरेंस कुछ हुआ है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। सामने मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग शॉप दिख रही है, पूरा 360 मारते हुए आराम से यहाँ पे एक और बस हो गया। कितना बढ़िया ट्रिप मारा ना मैंने। चलो इसी बात पे सब्सक्राइबर ठोक दो भाई, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही ना मैं वो सब कार्स वगैरह परचेस कर सकता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब वगैरह कर दो। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो बॉडी किट डाल लेता है, लास्ट वाला आज मैं नहीं डाल सकता क्योंकि उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, 80 गोल्ड, वो भी इस कार के ऊपर मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए हम सस्ते की तरफ ही जाएंगे। वैसे गाइस, आज के गेम प्ले वीडियो में कुछ तो अलग है, ठीक है। वो चीज़ अभी क्या अलग है वो तो आप लोगों को ही बताना होगा, वो भी कमेंट में। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि आज के गेम प्ले वीडियो में क्या अलग है। कार के ऊपर बॉडी किट और कलर का काम तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें इसको लेके जाना होगा अपग्रेडेशन शॉप पे, क्योंकि मुझे अभी इस कार को क्लास 3 का बनाना है। स्टॉक में ये क्लास 2 में आते हैं, क्लास 3 का बनाएंगे, उसके बाद टेस्ट वगैरह भी करेंगे कि कैसी भागती है कार। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन भी देख लिया, जो कि मुझे काफी गंदा लगा, क्योंकि ये एक ऑल व्हील ड्राइव कार है, एंड ऑल व्हील ड्राइव कार होने के बाद भी इतना गंदा एक्सेलरेशन भाई। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने अभी सिर्फ इस कार में बॉडी की डाला है और ये कार पूरी स्टॉक है, बट थोड़ा सा तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना। EV9 का अगर हम देखें तो गंदा एक्सेलरेशन है भाई। मेरी EV9 वैसे क्लास 3 की है, तो इसको भी लेके चलते हैं, क्लास 3 का बनेंगे, फिर देखते हैं कैसे एक्सेलरेशन है। अच्छा वो कि यहाँ पे मैंने शॉर्टकट ले लिया, बिकॉज उस तरफ से अगर जाता ना तो बहुत लंबा घूमता। आराम से नीचे जाएंगे, क्योंकि ठोकना मुझे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नई नई कार है, इसीलिए चलो अभी पूरा भगाएंगे। सामने जाके मैं सोच रहा हूँ कि 360 मार दूँ, उसके बाद रिवर्स में जाएंगे अंदर, हो पाएगा क्या देखते, ट्राई करते हैं। नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, रिवर्स में तो नहीं हुआ, बट 360 मस्त थी। सामने मुझे शॉप दिख रही है, और इस कार का तुम अभी स्पीड देखो। देखो मैंने कहा था ना कि एक्सेलरेशन बहुत गंदा है, 100 गई इतनी देर में, 100 गई। वैसे क्लास 2 का है, मैं भी क्यों बोल रहा हूँ बार बार, अभी अपग्रेड करेंगे ना, फिर देखते हैं क्लास 3 का ही बनाऊंगा, क्योंकि सब पैसे मुझे नहीं फूकना, थोड़ा सा रखना भी है। ये आ गए हम यहाँ पे, और ये अपनी हो चुकी है कार अपग्रेड, बहुत फास्ट था, अभी चला के देखते हैं। क्लास 3 की मैंने अपग्रेड किया है, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं, होना तो चाहिए देखो। और फर्क आ रहा है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है बस। वैसे टॉप स्पीड कितनी हुई इस कार की, 200 चली गई भाई, 300 जा पाएगी क्या क्लास 3 में? लग तो रहा है कि ये कार 300 जा पाएगी भाई, 200 जाने ही वाली थी, बस मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि देखना है ना अभी, टेस्ट वगैरह करना है। बट एक्सेलरेशन उतना कुछ खास नहीं है, रियर व्हील ड्राइव जैसा, ये ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये ऑल व्हील ड्राइव कार है। इसके लिए क्लब सिलेक्ट कर लेता, ये फैलकोन आउटर्स क्लब सबसे बढ़िया रहेगा, ये रहा रेस, ज्वाइन कर लेते चलो। और भाई मैंने इस कार के साथ इस रेस को विन कर दिया ना, तो मतलब आप लोग भी इस कार को यूज कर सकते हो। और ये क्या देख रहा हूँ, आगे निकल गया लिटरली। कभी कभी तो EV9 यूज करता हूँ, फिर भी ये मिनी कूपर मेरे बाजू में ही रहती है, अभी कैसे इतना मैं आगे निकल गया। कुछ तो लोच आया, या फिर ये कार ही शायद अच्छी है, मैं खामोखा ऐसे बोल रहा था कि ये बहुत बुरी कार है, पता नहीं भाई, रेस के एंड में देखते चलो। वेट यार, रुक जा भाई, रुक जा, ब्रेक तो डाला था अच्छा खासा, क्यों नहीं रुक रही, हैंड ब्रेक प्रेस कर दिया ना, इसलिए विन करना है भाई, विन तो हम आराम से कर जाएगा। देखो ये कार बहुत पीछे है अभी, बस कहीं पर ठोकना ही है, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव कार है तो हैंडलिंग बहुत गंदी होने वाली। नहीं 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 गया, अभी जब तक ये बटन आएगा ये बंदा साइड से निकल जाएगा।
आपको बहुत बुरा वाला अपडेट दिया था, ये जो बटन का सीन दिया ना कि पूरी कार रुकेगी उसके बाद ही बटन आएगा रजिस्टर्ड वाला, बहुत बेकार लगता है मुझे ये। वो चीज टाइम अटैक रेस में ठीक है, बट इस सब रेस वापिस हुई फिर से पुराना वाला लाना चाहिए भाई, बहुत बेकार लगता है। अपनी कार गलती से रुक जाती है उसके बाद आता ही नहीं रजिस्टर वाला बटन, पूरा रोको उसके बाद ही आएगा, तब तक ये दूसरी कार से आगे निकल जाता है, बेकार लगता है सीन। अभी वापस रेस में आता है, कुछ नहीं कर सकते, कार स्ट्रीट वाले अपनी नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। फिर से वही टर्न, एकदम स्लो हो जा भाई प्लीज, स्लो हो चुके नहीं तो यार बहुत गंदा स्किड करते। अब इस ट्रक को भी इसी साइड से आना था, देख लिया अच्छा हुआ, नहीं तो बनना उसी में जाके भेड़ देता मैं। वापस वही टर्न, यहाँ पे स्पेशल वाली ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यही पे ठोका था, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चाहिए बस, क्योंकि ये स्किड करके पैर पे ठुक सकती थी बट अभी नहीं ठोकी क्योंकि हमने रेस को विन कर लिया। मतलब अच्छी तो लगी ये कार बट उतना भी अच्छी नहीं कि तुम इस कार को यूज कर सको। पहले वाले रेस में वो मिनी कूपर बहुत ज़्यादा ही पीछे था बट इस सेकंड रेस में तुम देखो वो मिनी कूपर मेरे साथ साथ ही लग लग के चल रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि EB9 के साथ जब भी मैं रेस को प्ले करता हूँ ना, ये सारे बंदे मेरे आजू बाजू ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे रहते हैं, तो इस कार के साथ भी वही सेम चीज़ होना है। और वो जो फर्स्ट रेस में मिनी कूपर अटक गया था ना थोड़ा सा, मेरे हिसाब से उसका ट्रांसमिशन जाम हो गया था। अभी यहाँ पे मैं फटाफट से फ्यूल एंड नेट को फुल कर लेता हूँ क्योंकि हमें टॉप स्पीड भी चेक करनी है इस कार की। एक्सेलरेशन वगैरह देख के कोई फायदा नहीं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ही स्लो है ये कार, एक्सेलरेशन देख रहे हो कितना ज़्यादा स्लो है। अभी टॉप स्पीड देखते कि वो कितनी है, मेरे हिसाब से 300 तो ये कार जा पाएगी, अगर 300 भी ना जा पाई ना तो 280 या फिर 290 तक ये कार कर सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों क्लास 3 की कार है, मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला एंड ज़्यादा लोगों का हिसाब से भी ये कार 300 नहीं कर पाएगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी कि ये कार 300 कर सकती है। लेट्स सी 270 तो देखो अभी चली गई, क्लास 3 की कार है भाई, 270 तो अभी चली गई, 280 भी जाने वाली है बस, 280 हो चुकी है, 280 हो चुके बस, नाइटो को फुल होने दो फिर देखते कितना जाती है ये कार, 279 280 हो जा बस भाई, नाइटो का यूज़ कर दे क्या, फिर तो 280 हो जाएगी, 280 हो गई, चलो बढ़िया है, थोड़ा सा और अभी मारते हैं, 281 282 283 284 285 मतलब 290 तक तो जा सकते हैं, नाइट्रो फुल चाहिए बस, और स्पोर्ट अगर फ्यूल हुआ तो आराम से कर लेगी ये कार, मतलब 290 वो भी क्लास 3 में, थोड़ा सा अनफेयर नहीं लग रहा। अगर आप लोग गेम भी किसी ऐसे कार को जानते हो जो क्लास 3 में 290 से भी ऊपर जा सकती है तो प्लीज़ मुझे उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तो भाई इसका स्पीड देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया। हालांकि ये कार क्लास 3 की स्टॉक कार नहीं, ये क्लास 2 की स्टॉक कार है, उसको मैंने क्लास 3 में अपग्रेड किया है, बट फिर भी भाई थोड़ा सा अनफेयर लगा। बाकी यार आज के लिए बात इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।